बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं तसव्वुर सियाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से खुशबाश हंसते बसते शादबाद आबाद होंगे। तो इसी दुआ के साथ आज की व्लॉग का आगाज करते हैं और देखते हैं कि आज की व्लॉग में क्या होने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, मैं भी उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो इंट्रो से बात हम बाद में ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज मेरे साथ इन्होंने एक प्रैंक किया। प्रैंक तो नहीं किया, असल में तो मुझे तो लगता है कि रियल मुझे लगता है कि चूंकि इनकी हकीकत वो तो मेरा इन्होंने इंप्रेशन एक्सप्रेशन देख के ना फिर मूड खराब किया या मूड चेंज किया है, तो वो तो चलो आओ। हाँ, मतलब हम डर गए तो जहरी बात है। बेगम वाले तूफानों से नहीं डरते, बेगम को डरना चाहिए। हाँ, वही डराने तक रहना है। आज इनकी जो हालत थी ना बड़ी मजे की थी, बंदे को मजा आ गया सच्ची। नहीं वो ना इन्होंने सिचुएशन ऐसी क्रिएट की कि ना मुझे बाकी लगे थे यार नहीं इस तरह मेरे साथ ज्यादती हो रही है। शोहर के साथ ज्यादती हो रही है। हाँ, शोहर के हकूक पमाल किए जा रहे हैं। तो चलें जी देखते हैं आज का व्लॉग क्या होने वाला है और हमारी आज की रूटीन कैसी गुजरी और मेरे साथ बैड़ी की में हुई। तो चलें जी। हाँ जी, क्या कर रहे हो? आपको क्या लग रहा है? तो मुझे लग रहा है कि आप तो क्रिकेट खेल रहे हो। नहीं अभी इस बिचारों की क्यों खोल रहे हो? आपको वही आदत नहीं गई ना? ये नहीं, ये बटन देखो, बल्कि वो कीड़ा है ना। ये बटन दिखाओ, ये बटन, ये ना जी, ये ऐसे ना पुश होता, ये वाला बटन। हाँ। ये वाला, ये बटन है। अच्छा, हाँ क्या हुआ है? ये ना काम नहीं करता, पुश होता है फिर बंद हो जाती है। अच्छा, ये आपने जानबूझ के खराब कर लिया कि अब मुझे मौका मिल जाएगा मैं इसको भाई। इतना मैं वेला नहीं हूँ कि मैं ऐसे फजूल याद में अपना टाइम जाया करूँ। ये मुझे आपका पता है ना। अच्छा अच्छा, उम्र गुजारी है आपके साथ मैंने। तो इसका ना डैशबोर्ड खोल के ना इस बटन का ना पीछे सुरेज, ये आगे बच्चों ने सार किए हुए इतने बड़े बड़े अपने, ये देखिए खराब करने के बाद अब खड़े हैं शरीफ बन के। इस जुरेज के काम है सारे ना? हाँ, और ने एक वो बन के तो फिर बंद हुई है। शेरी किसने खराब की है? किसने की है? जेज ने। कैसे खराब की? कैसे करके? चाय भी ले लो। चाय? हाँ जी, भी लगा। आज तो मौजे लग गई, आज मैं थक गया, मौजे लग गई, मौजे जी। तो व्यूअर्स ये देखें जी, मैंने इसका ये चाबी वाला सिस्टम लगा दिया। हाँ, ये देखो ये बंद हो गई और ये चल गया, ये बंद हो गई और ये चाबी निकल आई। तो अब ना हमारा कंट्रोल बिजी रहेगा, ये जब हमारा मूड होगा तो हम देंगे नहीं तो नहीं देंगे। तो वर्जी सुबह सुबह चीनी पत्ती चीन लेके मैं आ रहा हूँ नाश्ते के लिए और हमारी चाय बन रही है। पत्ती की कमी थी, चीनी डल गई है। हाँ, चीनी तो मैं ले आया था सौरत बाजार से, बारीक बारीक चिट्टी सफेद। ये तो वर्जी है ना, अंडा अंडा मक्खन क्या बना रही है इसका? ये शहरी और सुरेश का अंडा है, आज उनकी छुट्टी है तो स्कूल में जाना है, तो मैं बना के रख रही हूँ, वो फिर खा लेंगे। तो शोर को ना लस्सी के साथ एक पराठा दे दिया बेचारे से शोर को ना, तो वो अब बेचारा शोर ये पराठे रोटी लेके खड़ा है और देख रहा है कि कुछ चाय शाय बन जाए तो उसके साथ पूरा मक्खन का प्याला रखा है। मक्खन से तो नाश्ता करता है बंदे लगे। चलो जी, मैं तवक्कल अल्लाह करता हूँ, खाता हूँ नाश्ता करता हूँ जी। तो चाय मैंने छान ली है, हम चाय पीते हैं बस। अब फिर सीधे स्कूल निकलना है, फिर इंशाल्लाह वापसी पे स्कूल से ना आप लोगों से मुलाकात होगी। हाँ, मुँह भी सड़ गया है। ये जूती पहनी जा रही है टुंडे टुंडे पैरों में। मेरे पाँव टुंडे नजर आते हैं, छोटे छोटे पाँव हैं और छोटी छोटी जूतियाँ हैं अपनी, देखो छोटी सी मखलूक के लिए। हाँ, अपने मोती दया दी पाई है, नहीं गिरते ऐसे लिपट गई, इतनी सर्दी आ गई है। और क्या, शुक्र है ये कंघे से ना बाल निकाले जा रहे हैं, अभी बाल बाल छुड़वाए थे तो
बाल बनाए थे, बाल बनाए थे, और ये बेचारे टेंशन में गिरते हैं, जो घर वाले टेंशन देते हैं ना उससे गिर जाते हैं। ये भी अब शुक्र करें कि कंघे से बाल आज निकाल लिए हैं। ये अब क्या हो रहा है? मेकअप। ये ना आजकल बड़ा मेकअप कर रहे हैं, बड़ा मेकअप कर रहे हैं। खत्म नहीं करना, लिया नहीं है, पैसे नहीं भरे। नहीं, खत्म करने के बाद आपने फिर कहना मैंने और लेना। ये एक्सपायर हो जाता है। अच्छा। पता भी है। एक हफ्ते में एक्सपायर हो जाता है, हफ्ता पहले तो लिया है। तो आपको क्यों बताओ, आपके भी करो। ये आप लोग फिर वहाँ पे पहचानने कैसे जाते हैं कि कौन आया है? वो ना कहते हैं कि ना औरतें क्यों नहीं मरती जल्दी, वो पूछते हैं क्यों। वो कहते हैं वो दिन भर मेकअप किए रखती है, जब रात को मौत का फरिश्ता आता है ना तो वो पहचानता ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो कोई और है, हमने तो वो दिन वाली को लेके जाना था, इसलिए औरतें बच जाती है मर्द बेचारे। अच्छा, तो वो ले जाता है। ये आपके बच्चों ने तोड़ दिया मेरा, ये इतना महंगा ब्लश ऑन था। ऐसे ये रखने वाली जगह से यहाँ पर सारा तेरा मेकअप पड़ा है। आप अपनी चीजें उठा लो ना यहाँ से। इंजन मुंह दिहास थप्पी जाती, थप्पी जाती है। आपको क्यों जैसी हो रही है? आपको जो जो नहीं मिलती लिपस्टिक। तो ये देखें जी, दूध गिरा लिया आपके जिम्मे। हाँ, मैं तो स्कूल जा रही थी। हाँ, एक काम इनके जिम्मे होता है सुबह दूध बॉयल करना, और वो वाकई ये बॉयल करके जाते हैं हमेशा, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। चलो स्कूल टाइम गया गया। बाबू आपको क्या पता। चल भाई चल। Bye. चलो जी गई। जी तो मैं 15 मिनट पहले स्कूल से घर आ गई हूँ। हमारे दरमियान में ना स्कूल के, मेरे और तसव्वुर के स्कूल के दरमियान में 15 मिनट का गैप है, मतलब मुझे 15 मिनट पहले छुट्टी होती है। तो आज ज़रा ज़बरदस्त सा कोई प्रैंक हो जाए तसव्वुर के साथ। आपने ना बस ये करना है कि उनकी फीलिंग्स नोट करनी है, ख़ास करना मेरी बहनों ने, कि तसव्वुर की फीलिंग क्या होती हैं, उनको वो फीलिंग देख के क्या महसूस होगा। तो चलते हैं, तसव्वुर आने वाले हैं। कौन कौन? नहीं मैं खुद हूँ। गाड़ी खराब हो गई, धुआं निकल रहा है। अब कुछ चाय शाय बनाओ। आज हम जा रहे हैं, मामू आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। जा रहे हो? हाँ जी। चलो जाओ। हाँ। सच्ची? हाँ, फोन कर दिए वो आ रहे हैं। बताए थे कि उन्होंने मुझे बताया तक नहीं है। क्यों बताए? फिर भी बंदा पूछता तो है ना। अच्छा। हाँ। आप हमें लेके नहीं जाते हैं? अच्छा, आप ये ना लोग जा रहे हैं बगैर, मतलब मुझे बताए बगैर, इन्होंने मतलब सुरेश के मामू को बुला लिया। अब मैं दुखी हो गई। अच्छा, अब मैं हो गया दुखी? और मेरे साथ बनता भी है। अब मैं चाय शाय भी नहीं पीऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ। आप जाएं 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 जाएं। आप रूठ जाओ। अब मैंने ना लेने जाने थे, जब मेरे मेरे बताए बगैर ये जा रहे हैं, तो मेरा लेने ले जाने का कोई हक बनता? आप सही बताओ। मजाजी खुदा को बताना चाहिए है। नहीं, फिर भी बंदे को कम से कम बताना चाहिए, हमने जाना है। जरे जा रहे हो, हुई है बात? नहीं, सही बात। नहीं था जाने। हाँ? नहीं मोहम्मद का। नहीं का? फोन भी नहीं किया। फोन भी नहीं किया, तो फिर ऐसे बिठा में कर रहे हैं। बड़े सच्ची मत, बड़ा दुखी हो गया, मुझे बताया भी नहीं है। आप क्या करने वाले थे फिर दुखी हो? नहीं, मैंने कहा शायद होता है बंदे के पास, ये तो नहीं है, ये तो मोबाइल जो है तो बंदा फोन तो कर ही लेता। अच्छा, आपने मेरे से ऐसे ड्रामा किया, ये प्रैंक हो गया, प्रैंक लेके जाने वाला प्रैंक हो गया। मैंने इन्हें बड़े पक्के मुंह से वैसे बात की है कि ना, जैसे वाकई मैंने कहा ना, मतलब कल संडे है तो छुट्टी है, भाई ये जा रहे हैं, चलो मैंने कहा ठीक है जाए से, मेरा ये नहीं कि आप बंदे बताते हैं कि जाना है, ये जाए से अंदर से बड़े ऐसे 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 हो रही थी। मैंने फिर भी चलो हाय
छोटी सोच रखते हैं शोहर से। छोटी सोच, आप देखो आप बेगम हो वो कह के जी मैंने ना बेगम हो गुलाम नहीं हूँ वो तो नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ गुलाम वाली बात है, लेकिन ये बात होती है ना कम से कम बंदा ये बताता है कि भाई मैंने जाना है या मैं जा रही हूँ। मैंने आपको बताया नहीं है कि मैं जा रही हूँ, आपकी हालत क्या होगी? नहीं नहीं आपने ये कहा कि हमने बुला लिया है, आप लोग सारा कुछ छोड़े एक्सप्लेनेशन देखे कैसे हो गए। नहीं नहीं मुझे ये लगा कि भाई वाकई उसको बुला लिया, भाई को बुला लिया है और तैयारी भी है इनकी, भाई इनकी तैयारी है और जा रही है। हाँ। कल संडे है तो इसलिए इनका कि चल वो जाना है, मैंने अकेले इनको कोई नहीं लेके जाना, ये मैं आपको बता रही हूँ, जा 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 हम खुद देंगे। हाँ नहीं हम मोटरसाइकिल पे आएंगे, ये पैदल जाएगी, पैदल नहीं जी भाई के साथ जाऊंगा। चलो जाओ, ये है मुझे दाल में ना कुछ लगता जरूर है, का जरूर होगा है। नहीं हमने ना आप लोगों से बात कर दी, ये नहीं सोचा कि बताया कैसे होगा बुलाया कैसे होगा, हमारे पास मोबाइल है उसमें बैलेंस नहीं है, और दूसरी बात ये कि उसमें नंबर नहीं है, है? नहीं नहीं बैलेंस का बैलेंस के बगैर कॉल हो जाती है, फिर भी शायद मैंने की जरूरत नहीं है बैलेंस करवा ले, मोबाइल का बैलेंस भी बंदा करवा लेता कॉल भी हो सकती है, तो नहीं तो नंबर ही नहीं आता, ये इशू नहीं था हमें उस मोबाइल का नंबर नहीं, आपको खुद सोचना चाहिए कि भाई इसने किधर से कह लिया होगा बेगम ने, है आप तो हमारे प्रैंक में आ गए, आपका तो प्रैंक हो गया है। नहीं मैंने कहा शायद हो सकता है, गुस्सा फुल आ रहा था इसने बता के सारा। अच्छा आप चाय तो बनाओ, आप पहले आप वही गुस्सा करके दिखाओ ना, ऐसे ऐसे टेंशन से यू यू करके यू यू किए जा रहे हो है। नहीं मैं समझ मुझे थोड़ा सा पूछा भी नहीं, ये तो करना सारी उम्र तरक्की नहीं करनी इसी से आगे, ये कौन तरक्की बगैर पूछे बताए काम करने तरक्की होता है इंसान की मर्जी। आप बताओ बंदा मियां बीवी एक दूसरे के साथ है, वो एक गाड़ी के पहिए होते हैं। अच्छा ये पहिया कल गया हुआ था कहीं पे, मैंने पूछा पीछे से फोन किया तो फिर कॉल करके मुझे बताया कि मैं भाई नहीं नहीं मुझे तो जरूरी काम पड़ गया, मैं स्कूल से आई इंतजार कर रही थी तसवर आएंगे तो सवार, एक घंटा गुजर गया फिर मैंने कहा नहीं आए, फिर मैंने बैल दी, इतना सा मेरे पास बैलेंस होता है वो भी बैल कैसे देती हूँ मैं, वो बैलेंस करवा बैलेंस करवाते हैं ना, पता क्या ना ये उस पे ना पैकेज आन का बगैर पैकेज क्या। हाँ तो आप लोग आपके बेटे, आपके बेटे नहीं जब नुकसान करे मेरे बेटे, जब कुछ अच्छा करने लगे तो आपके बेटे, वो बैलेंस उसका ना वो मतलब जितना भी कराया ना वो उसी दिन आधे घंटे के बाद फारिग होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा बैलेंस करवाना ही। ये मेरा मोबाइल बच्चों को देते क्यों, मैं देता हूँ आप देते हो वासु, अब ये बात है मोबाइल आपके आप ना दो वो क्यों, मैं मोबाइल देता मम्मा देते, सही बताना सही बताना पापा कोई नहीं है, आप मुझे चाय बनाओ मेरे बिसार में दर्द हो गई है, तो आप चाय बनाओ, अभी तो मैं गई नहीं हूँ तो सर में दर्द हो गई है, अगर मैं चली गई होती तो फिर अच्छा अब चाय बनाओ जल्दी का। ये बकरियों के पीछे कहाँ गया था शहरी है, बकरियाँ छोड़, ये देखें जी शहरी के काम, ये इधर जाता है बकरियों के पास गली में, इधर बकरियाँ पाई हैं, ये देखें जी, तो इन बकरियों के ना पीछे पड़ा हुआ ये सूजी का हलवा बना हुआ है। आप पतीला क्यों जला देते हो, कौन सा ये वाला, मैं ही आता हूँ, ये चाय आपने बनाई थी, चाय चूल्हे पे किसने रख के गरम की थी, मैंने, फिर तो आप धो दो ना, बेगम का घर का काम होता है, घर का काम होता है। मैंने गरम नहीं किया था, मैंने भी नहीं की, मैंने अपनी चाय डाल ली थी, आपकी चाय पड़ी थी, आपने उधर चूल्हे पे रख के गरम की है। ऐसा ऐसा तोड़ती हूँ बर्तन भी तोड़ने के चक्कर में, ये तो व्यूअर्स चाय रेडी हो चुकी है और बर्फी जो थी दो बची हैं, बाकी बाकी की मैंने खा ली है, तो लगी थी? एक नवाला तो दे रोटी का, गरम कर रही हूँ, खाते जा रहा मुझे नहीं दी देखो, असल में ना हम लोग स्कूल से आते हैं ना, हमें ना ऐसे भूख लगी होती है ना जो हमें घर में मिलता है हम खा जाते हैं।
रोटी बच्चे दे दो। बनाओ रोटी। नहीं बस हमें हमें एक एक नवाला ही मिला, अब हम शाम को खाएंगे। ये गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ी हुई है जी, जरूरत छत पे चढ़ा हुआ है, है? मैंने उसके दरवाजा बंद करने को कहा था, है मानू नहीं, इधर आ, इधर आ तू, वो भी जा रहा है उधर छत पे, चलो नीचे उतर जा, दरवाजा बंद करो। ये देखें जी, हमारे यहाँ ना मौसम की सिचुएशन ये है कि आपको वो थोड़ा सा सूरज नज़र आ रहा होगा, है या नहीं, बस ऐसे ही धुंध है, तकरीबन सारा दिन धुंध ही रहती है। दो दिन से यही दो तीन दिन हो गए ऐसे मुसलसल धुंध ही रहती है जी। तो व्यूअर्स, आज का आप लोगों ने मेरे साथ रवैया या असलियत बेगम की आप लोगों के सामने आ गई। बड़ा मजा आया। तो नहीं मैं सच बताओ, ये सच्ची था या ऐसे? अब मुझे गुस्सा आ रहा है, ये देख लो फिर। बड़ी खुश है, बड़ी प्राउड फील कर रहे कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। नहीं गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए था आपको, क्यों गुस्सा आ गया? फिर भी बात ही ऐसी थी, तकरीर शुरू कर दी है। नहीं नहीं मैंने समझा, खुद वाला आवाज देना शुरू कर दिया है। तो इसी के साथ इजाजत दुआ में याद रखें, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।